नमस्कार, मैं आरती। आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। आइए देखते हैं झारखंड और देश दुनिया की बड़ी खबर, एक नजर कोहराम झटपट। झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस समारोह में गवर्नर रमेश बैस बोले, विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर दलगत भावना से उठकर करना चाहिए काम। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने रांची में बांटी नियुक्ति पत्र, सेम्पो के सीआरपीएफ कैंप में लगा रोजगार मेला। सड़क हादसे में मरे सिख परिवार के आश्रितों को सीएम हेमंत सोरेन ने दिए 3-3 लाख के चेक। हजारीबाग में बीते 17 सितंबर को हुआ था हादसा। गुमला पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, पीएलएफआई के 3 हार्डकोर उग्रवादी धराए। गिरडी के बेंगाबाद में युवक की फंदे से लटकी हालत में मिली डेड बॉडी, मायके गई पत्नी से फोन पर झगड़ा होने का लगा इल्जाम। हजारीबाग के स्वाधार गृह से भागी 7 लड़कियां, अधीक्षक पूनम ने थाने में दिया आवेदन। धनबाद में सीमेंट व्यवसायी पवन के घर लाखों की चोरी, शादी में गया हुआ था पूरा परिवार। बेगूसराय में रिसेप्शन पार्टी में हर्ष फायरिंग, दूल्हे के दोस्त की गई जान। कुहासे को लेकर रेलवे का बड़ा फैसला, 12 ट्रेनें कैंसिल, 4 के परिचालन के दिनों में हुई कटौती। चीन में कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में लगी भीषण आग, 36 की गई जान। झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सरकार पर ठोका 10,000 जुर्माना, सहायक अभियंता नियुक्ति मामले में नहीं दिया था जवाब। दुमका के भागवत राउत के हत्यारों को आजीवन कारावास, 3 मई 2016 को हुई थी हत्या। 1,000 करोड़ के अवैध खनन मामले में पंकज मिश्रा की जमानत याचिका पर हुई सुनवाई, फैसला रिजर्व। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में खुद को जला, कथित प्रेमिका को गले लगाने वाले युवक ने तोड़ा दम, गंभीर रूप से झुलसी लड़की की हालत नाजुक। रोजगार मेले में पीएम मोदी ने 71,000 युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र, बोले युवाओं को गवर्नमेंट जॉब देने के लिए मिशन मोड में काम कर रही सरकार। मध्य प्रदेश के मंदसौर में आईटी ऑफिसर ने कारोबारी से मांगी 5 लाख की घूस, सीबीआई ने दबोचा। असम मेघालय सीमा पर हुई फायरिंग में 6 की गई जान, 7 जिलों में इंटरनेट बंद, अवैध लकड़ी ले जा रहे एक ट्रक को रोकने पर भड़की हिंसा। सपा नेता आजम खान को मिली जमानत, नफरती भाषण देने के इल्जाम में गए थे जेल। फीफा वर्ल्ड कप में सऊदी अरब ने किया बड़ा उलटफेर, अर्जेंटीना को 2-1 से दी करारी हार। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का तीसरा T20 मैच हुआ टाई, सीरीज पर इंडिया का कब्जा। ऐसे ही झारखंड और देश दुनिया की झटपट खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहराम लाइव.com के साथ।